तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म की। फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर जो हमें एक्सप्रेशन मिली थी वो थी x by m is equal to k p की पावर 1 by n। ये थी p का मतलब यहां पे प्रेशर है, तो इसका मतलब ये एडसॉर्प्शन था गैस का किसके ऊपर, सॉलिड एडसॉर्बेंट पे। लेकिन अगर हमें एडसॉर्प्शन की बात करनी है फ्रॉम सॉल्यूशन, तो सेम एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगी x by m is equal to k c की पावर 1 by n, where n कितना होता है, n की जो वैल्यू है 0 टू 1 होती है। क्लियर है, n की वैल्यू 0 से 1 होती है, हालांकि 1 by n की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, 1 से इनफिनिटी। सी यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ दी सॉल्यूशन। सेम अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा log x by m is equal to log k plus 1 by n log c। यहां पे k कोई रेट कांस्टेंट नहीं है, सिंपल कांस्टेंट है। हां जी, तो ये सिमिलैरिटी हुई, यहां पे प्रेशर है, यहां पे कंसंट्रेशन आ जाएगी। कोई एग्जांपल देखें कि सॉल्यूशन से एडसॉर्प्शन होता कैसे है। तो आप क्या करो, एसिटिक एसिड का कोई सॉल्यूशन पड़ा है अगर आपके पास, उसके अंदर एनिमल चारकोल ऐड कर दो। ठीक है, इफ चारकोल इज एडेड टू एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, देन some molecules of acetic acid are adsorbed। वो adsorb हो जाएंगे किसके surface पे, charcoal के। अब देखिए solution में solute plus solvent पड़े, solute क्या है, acetic acid, सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन है तो वाटर, और यहां हमने ऐड कर दिया एक चारकोल का टुकड़ा। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, कंटिन्यूअसली इसके सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। किसकी कमी आ गई सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट अगर कम हुए तो सॉल्वेंट बढ़ गया, मतलब वाटर बढ़ा है तो डाइल्यूशन बढ़ी है और कंसंट्रेशन है डिक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन है डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स चारकोल के सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जो कि सॉल्यूट है कम हुए, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम होते हैं तो कंसंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब चारकोल पे कुछ ना कुछ एडसॉर्प्शन हुआ होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन चारकोल ऐड करने से पहले चेक कर लेना, फिर बाद में चेक करना, डिक्रीज हुई है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ है, एडसॉर्प्शन। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगर हम एनिमल चारकोल ऐड करते हैं शुगर केन के जूस में, जब चीनी बनती है तो जो शुगर केन का जूस है उसके अंदर कलरिंग मटेरियल होता है, तो जो एनिमल चारकोल है उस कलरिंग मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो क्रिस्टल बनते हैं चीनी के वो बिल्कुल व्हाइट बनते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। तो लिख लेते हैं हम, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडेड टू sugar cane juice, then it absorb the coloring material को absorb कर लेता है ये, we get white crystals of sugar, तब हमें मिलते हैं व्हाइट क्रिस्टल चीनी के। ठीक है, ये भी क्या है, एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन का एग्जांपल है।
और अगर हम लिटमस सॉल्यूशन में चारकोल ऐड करते हैं तो लिटमस सॉल्यूशन भी कलरलेस हो जाता है. व्हेन चारकोल इज एडेड टू लिटमस सॉल्यूशन देन द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस. देन द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस. ये भी किसका एग्जांपल है? एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन का. अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग भी इस एडसॉर्प्शन के सेम ही हैं जो थे फैक्टर अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन ऑफ गैस टू दी सॉलिड एडसॉर्बेंट. मतलब टेम्परेचर फर्स्ट फैक्टर है हमारा. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एडसॉर्प्शन ये क्या होगा. अगर हम इसमें ध्यान दीजिए एडसॉर्प्शन किसके ऊपर हो रहा है इस बार है? एक सॉलिड चारकोल का एग्जांपल ले रहे हैं और किसने एडसॉर्ब होने सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वो जो उसके सरफेस पे बैठे हैं वो क्या हो जाएंगे वहां से रिलीज हो जाएंगे एडसॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सेकंड कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें या नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट और नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट की बात करें ठीक है डिफरेंट डिफरेंट एडसॉर्बेंट के सरफेस पे कितना एडसॉर्बेंट जाएगा ये अमाउंट भी डिफरेंट होगा वेरी करेगा चेंज होगा. सेकंड नंबर अगर बात कर ले कंसंट्रेशन की अब देखिए सॉल्यूशन के अंदर एडसॉर्प्शन हो रहा है एक्स बाय एम क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर 1/n तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है. मतलब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की उतना ही ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा उतना ही ज्यादा वो एडसॉर्बेंट पे के सरफेस पे जाके पार्टिकल्स अटैच होंगे. तो फैक्टर्स भी सेम है ऑलमोस्ट क्लियर है. एक्सप्रेशन में सी की जगह पी आया है और ये थे थ्री इसके. नेक्स्ट टॉपिक है एडसॉर्प्शन आइसोबार. आइसोबार होता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. तो अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर उसको हम कहते हैं आइसोबार. और अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर उसको कहते हैं आइसोथर्म. तो इसकी डेफिनेशन बनेगी द ग्राफ या कर्व बिटवीन एक्स बाय एम. एक्स बाय एम क्या है अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन वर्सेस या एंड टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट इक्विलिब्रियम प्रेशर. इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन आइसोबार. उसको हम एडसॉर्प्शन आइसोबार बोलते हैं. टू कर्व अगर हम देखें एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर. अगर फिजिकल एडसॉर्प्शन की बात करूं मैं फिजिकल एडसॉर्प्शन की तो जो कर्व बनेगा कुछ ऐसा बनेगा क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा फिजिकल एडसॉर्प्शन वैसे वैसे डिक्रीज करेगा एक्सटेंट उसका डिक्रीज करेगा. और ये किस पे है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. नेक्स्ट है अगर हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं एक्स बाय एम वर्सेस टेम्परेचर का फिजिकल केमिकल के लिए. ये किसके लिए है केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए. तो वो जो कर्व आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा. फर्स्टली एडसॉर्प्शन इंक्रीज होगा और देन क्या हो जाएगा डिक्रीज. फर्स्टली इंक्रीज होगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसको इग्निशन मिलेगा एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी इसको क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनने है. लेकिन उसके बाद और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो केमिकल बॉन्ड जो बने थे ब्रेक हो जाएंगे. क्लियर है. तो टेम्परेचर के साथ ये पहले इंक्रीज करता है मैक्सिमम पीक पे आता है फिर डिक्रीज कर जाता है. जहां आपने डिफरेंस लिखे थे फिजिकल एडसॉर्प्शन और केमिकल में दोनों ग्राफ भी जरूर बनाने आपने. ठीक है. ये भी किस पे है
एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ध्यान रख लेना एक्स बाय एम वर्सेस टी का है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तब है ये इक्विलिब्रियम प्रेशर पे होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 या 10 एप्लीकेशन हम देखेंगे इसकी। फर्स्ट एप्लीकेशन है फॉर क्रिएटिंग वैक्यूम या प्रिजर्विंग वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए या फिर जहां पे वैक्यूम है उसको प्रिजर्व करने के लिए, वैक्यूम को सुरक्षित रखने के लिए। वैक्यूम क्या होता है? जहां पे कोई भी एयर पार्टिकल्स या गैस ना हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी कंटेनर के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रखा है आपने, किसी ट्यूब के अंदर, ठीक है, जैसे प्लस वन में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब ली जाती है, ठीक है। तो वैक्यूम अगर कहीं पे क्रिएट है और वहां पे मान लीजिए ग्लास के ब्रेक होने की वजह से या किसी और वजह से कुछ थोड़ी बहुत एयर या गैस एंटर कर जाती है, तो वैक्यूम डिस्टर्ब हो जाएगा, वैक्यूम नहीं रहेगा। तो वहां पे क्या किया जाता है, उस वेसल की वॉल्स के अंदर, उस वेसल की वॉल्स के अंदर क्या फिल किया जाता है, कोई लाइक चारकोल फिल कर दिया उन्होंने उसकी वॉल्स के अंदर। तो जैसे ही कोई गैस या एयर पार्टिकल एंटर करेंगे, साथ के साथ उनको क्या कर लेगी, एडजॉर्ब कर लेगी, जिस वजह से वैक्यूम एज इट इज मेंटेन रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, ठीक। सेकेंड डेफिनेशन की बात करें, फॉर गैस मास्क, आपने लिखना है भाई, जो चीज मैं बोल रहा हूं इसके अंदर लिखना है, वो सब कुछ राइट करना है। गैस मास्क, मास्क आजकल ट्रेंड में चल ही रहे हैं। तो जो मास्क होते हैं, जैसे कोई कोल माइन के अंदर कोयले की खदानों में काम करते हैं जो वर्कर, उनके जो मास्क होते हैं वो स्पेशली डिजाइंड होते हैं, उनके मास्क पे कोई ना कोई एक एडसॉर्बेंट लगा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई चारकोल ही लगा हो सकता है उनके मास्क के बाहर की साइड, इससे वो क्या होता है कि जो पॉइजनस गैसेस हैं उनको क्या कर लेता है, बाहर ही क्या कर लेता है, एडसॉर्ब कर लेता है और अंदर हमारे नाक में एंटर करने से रोकता है, क्लियर है। तो जो मास्क होते हैं स्पेशली डिजाइंड होते हैं, जैसे आजकल चल रहे N95 मास्क, स्पेशली डिजाइंड है, उनके बाहर कुछ ना कुछ एडसॉर्बेंट लगाया गया जो पॉइजनस गैसेस को, पॉइजनस वायरस को बाहर ही रोक लेगा, एडसॉर्ब कर लेगा, हमारे नाक में या मुंह में एंटर करने से रोकता है, क्लियर। नेक्स्ट, इन शुगर इंडस्ट्री, अब ये मैं 2 या 3 बार बता चुका हूं, शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर केन का जूस है उसके अंदर कलरिंग मटेरियल होता है, कलरिंग इंप्योरिटीज होती है, जैसे ही हम चारकोल ऐड कर देते हैं, व्हेन वी एडिट चारकोल टू दी शुगर केन जूस, देन द कलरिंग मटेरियल इज एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एनिमल चारकोल एंड व्हेन वी गेट व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, हमें क्या मिलते हैं, शुगर के व्हाइट क्रिस्टल मिलते हैं। तो शुगर इंडस्ट्री के अंदर ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है इन डाइंग, फैब्रिक हो गया, फाइबर हो गया, कपड़े हो गए, डाई करते हैं हम। तो जब किसी भी क्लोथ को डाई किया जाता है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसको एक मॉडरेंट के अंदर डिप करते हैं, जैसे कोई एलम हो सकता है, फिटकड़ी हो सकती है, एलम क्या होता है, फिटकड़ी हो सकती है, ठीक है। तो एलम के अंदर डिप करने से क्या होगा, वो क्लोथ के सरफेस पे एडसॉर्ब हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, मॉडरेंट, मॉडरेंट। तो फर्स्टली क्लोथ को डिप किया जाता है मॉडरेंट में और वो मॉडरेट क्लोथ के सरफेस पे क्या हो जाएगा, एडसॉर्ब हो जाएगा, एक लेयर बना लेगा। फिर हम क्या करते हैं, उस क्लोथ को थोड़ा सा सुखाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक डाई के अंदर, जिस कलर की आपको डाई करनी है उस डाई के अंदर डिप करते हैं और वो डाई का कलर और वो डाई उस पूरे क्लोथ पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है, अच्छे से एडसॉर्ब होती है,
मतलब क्लोथ, क्लोथ के ऊपर कौन एब्जॉर्ब हुआ? मॉडरेट। मॉडरेट के ऊपर कौन एब्जॉर्ब हुआ? डाई। और अब ये क्वेश्चन है कि अगर हम इसको ले ही ना, हमने क्लोथ पे सीधा डाई करनी है, तो क्या होगा? अनइक्वल एब्जॉर्प्शन होगा। कहीं तो किसी हिस्से में तो ज्यादा कलर चढ़ जाएगा, दूसरे हिस्से में कम कलर आएगा, किसी और हिस्से में हो सकता है ही ना। क्लियर है? अनइक्वल डाई होगी फिर। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले मॉडरेट का एब्जॉर्प्शन करवाते हैं, उसके ऊपर किसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है? डाई। क्लियर? फिफ्थ है पेंट। दीवारों को पेंट करें, दरवाजों को पेंट करें, ये सब किस फिनोमिना पे चलता है? एब्जॉर्प्शन पे। क्लियर है? वॉल है, सॉलिड एब्जॉर्बेंट है, और जो पेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? एब्जॉर्बेंट है। तो जैसे ही हम ब्रश से पेंट अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। क्लियर है? कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा, वो पेंट ही दिख रहा है हमें। ऐसा तो नहीं है जैसे कार्बन के सरफेस पे O2 आई थी, CO2 बन के निकला। अब अगर वॉल पे पेंट कर रहे हैं तो पेंट ही दिखेगा, कुछ और नहीं मिलेगा हमें। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है अगर वॉल्स पे पेंट अप्लाई करें, किस फिनोमिना के अकॉर्डिंग होता है? वो भी एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग होता है। सिक्स, क्यूरिंग डिजीज, बीमारियों को ठीक करने में। हम कुछ ड्रग्स लेते हैं, जैसे टेबलेट्स लेते हैं, कोई बीमारी ठीक करने के लिए, डिजीज क्योर करने के लिए। क्योर मतलब ठीक करना, डिजीज मतलब बीमारी। तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स हैं, वायरस हैं, उसको क्या करती है? अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करवा लेती है और उनको क्या कर देती है? किल कर देती है, मार देती है। और जो वायरस खत्म हो जाते हैं फिर वो अपने यूरिन के थ्रू या टॉयलेट के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो ये फिनोमिना भी किस पे, किसके बेस पे हम बात कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन के बेस पे हम बात कर रहे हैं। सेवंथ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, वॉटर ट्रीटमेंट की। इन वॉटर प्यूरिफिकेशन, वॉटर के अंदर जो इंप्योरिटीज होती है मेनली क्या होती है? वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स हो सकते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट हो सकते हैं। क्लियर है? वो क्या करते हैं, वॉटर के अंदर इंप्योरिटीज है, उनकी जरूरत नहीं होती। तो हम क्या करें, अगर कोई सॉलिड एब्जॉर्बेंट ऐड कर दे, मोस्टली आप कई बार क्या करते हैं, फिटकड़ी भी ऐड करते हैं, एलम ऐड कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन इम्प्योरिटीज को अपने सरफेस पे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं। फिर आप पानी छान लेते हैं और जो वाटर हमारा मिलता है हमें, वो क्या मिलता है? हमें प्योर मिलता है। ठीक है? लेकिन कुछ एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो ऑलमोस्ट डिसॉल्व होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वॉटर के अंदर। उनको हम इस तरीके से नहीं प्योर कर सकते। फिर उनके लिए क्या यूज होता है? आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या यूज होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है। क्लियर है? तो ये था सेवंथ। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम कोई एब्जॉर्बेंट इम्प्योर वाटर के अंदर अगर डालते हैं तो वाटर की इम्प्योरिटीज उस एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और वाटर को हम छान के क्या कर लेंगे? प्योर कर लेंगे। और कोई एप्लीकेशन बताओ मुझे, बताओ और कोई एप्लीकेशन रहेगी? तो वाटर प्यूरिफिकेशन हो चुका है, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या करते हैं, मैं आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी बताता हूं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें हम एक वर्टिकल ट्यूब लेते हैं इस टाइप की, इसको पहले डिप कर देंगे एक सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूशन इसके ऊपर अच्छे से एड्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब वो एड्जॉर्बेंट का काम करेगा, क्योंकि हमने जिस मिक्सचर को चेक करना है वो एड्जॉर्बेंट है। तो इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि अच्छे से एक लेयर बन चुकी है किसकी, एड्जॉर्बेंट की।
ये जो मॉलिक्यूल है ये किसके हैं, एडसोर्बेंट के, सॉरी एडसोर्बेंट के। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ऐसे मिक्सचर की ड्रॉप डालते हैं, ड्रॉप्स, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डालेंगे मिक्सचर को, जिसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास थ्री कंपोनेंट है। कितने हैं, थ्री कंपोनेंट। एक मिक्सचर हम इसके ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर थ्री कंपोनेंट है। हर एक कंपोनेंट का इसके ऊपर एब्जॉर्ब होने का अमाउंट डिफरेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स बाय एम, वो डिफरेंट है। तो मान लीजिए कंपोनेंट ए, जैसे ही हम यहां पे ड्रॉप्स डालेंगे यहां पे, तो कंपोनेंट ए मान लीजिए यहां पे, उनकी लेयर बनती जा रही है यहां पे, कंपोनेंट बी चलेंगे नीचे, और कंपोनेंट सी नीचे एक लेयर बना लेंगे। जब मिक्सर की ड्रॉप्स डाली जा रही थी ऊपर तो उसके अंदर थ्री कंपोनेंट थे, लेकिन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हर एक कंपोनेंट का डिफरेंट था। जिसका तो ज्यादा था एड्सॉर्प्शन का अमाउंट, वो तो टिक गया यहीं पे, और जिसका एक्सटेंट कम था वो नीचे जाके टिका। क्लियर है, तीनों लेयर डिफरेंट हो जाएगी। ये तो छोटे लेवल पे बताया मैंने, बड़े लेवल पे क्या होगा, बहुत बड़ी लेयर इनकी बनेगी, तीनों को हम सेपरेट कर लेंगे। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्यों काम आती है, किस काम आती है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, और ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करने के काम आती है जिसके अंदर जो कंपोनेंट है उनका अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिफरेंट हो। समझ आ रहा है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का डिफरेंट आता है तो फिर वो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बॉइल करके, वो अलग चीज है, ये डिफरेंट चीज है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी से आप किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग कैसे कर सकते हो, जब उनका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है ऑन ए पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट डिफरेंट हो। तो करना क्या है, ये ग्लास के टाइप की होती, ग्लास की बनी होती है, ये एक वर्टिकल ट्यूब होती है, वर्टिकल कॉलम होता है ऐसे, उसको हम पहले डिप कर देते, जैसे पुराने टाइम में हम फटियों पे लिखते होते थे और उसके ऊपर हम उसको धोने के लिए, उसको वॉश करने के लिए गाची लगाते होते थे। तो सेम वही चीज है, इसके ऊपर पहले ऑलरेडी आपने एड्सॉर्बेंट लगाना है, एड्सॉर्बेंट वो ग्रेवी की फॉर्म में होगा, जैसे आप उसको डिप करोगे थोड़ी देर में वो सूख जाएगा। उसके बाद आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्सचर ऐड करने, उसके अंदर मान लेते हैं थ्री कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट का एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग है, जिसका अमाउंट ज्यादा है, जिसका एक्सटेंट ज्यादा है वो यहीं पे एड्सॉर्ब हो जाएगी लेयर, जिसका कम है वो नीचे चली जाएगी, जिसका सबसे कम है और नीचे, आप इनको सेपरेट कर लोगे लेयर्स को। क्लियर है, इससे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर हो जाएगा। नेक्स्ट आप कर सकते हो एप्लीकेशन में, नाइंथ है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये मैं करवा चुका हूं आपको। अगर हम अमोनिया का एग्जांपल लें, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, तो इसके अंदर आयरन क्या है, कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज होता है, और मोलिब्डेनम प्रमोटर की फॉर्म में यूज होता है। प्रमोटर मतलब है जो कैटालिस्ट की एक्टिविटी को, कैटालिस्ट की कैपेसिटी को इंक्रीज करवाएगा। बनता क्या है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, क्या नाम है इसका, हेबर प्रोसेस, डिटेल में पढ़ने वाले हम पी ब्लॉक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो यहां कैटालिस्ट ने क्या किया है, सरफेस प्रोवाइड किया, पढ़ाया मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट, किसको सरफेस प्रोवाइड किया, N2 एंड H2 को, आयरन के सरफेस पे पहले N2 आएगी फिर H2 आएगी, पहले आपस, पहले इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे ये, फिर क्या होगा, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और आयरन एज इट इज एट द एंड रीजनरेट हो जाएगा। क्लियर है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस भी किसका एग्जांपल है, एड्सॉर्प्शन का, और आपको बताया भी है मैंने मैकेनिज्म ऑफ केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसमें हमने क्या किया था, प्लेटिनम के सरफेस पे किसका एड्सॉर्प्शन करवाया था एक टाइम के लिए, H2 का। क्लियर है, ये किसमें काम आता है, निकल प्लेटिनम,
हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल वेजिटेबल ऑयल है उसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, डालडा या वेजिटेबल जो घी बनता है डालडा घी वो बनेगा। तो H क्या होता है, पहले इसके सरफेस को फिजिकली अप्रोच करता था, फिर क्या होता है इसके बॉन्ड आपस में टूटने शुरू हो जाते हैं और प्लेटिनम के साथ इसके बॉन्ड बनने शुरू हो जाते हैं। फिर फाइनली क्या होता था, H H आपस में ये बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं और किसके साथ बॉन्ड बना देते हैं, प्लेटिनम के साथ, प्लेटिनम के साथ इसका बॉन्ड बन जाता है। तो हेटरोजीनियस कैटालिसिस ये भी किसका एग्जांपल है, एडसॉर्प्शन का। ठीक है, तो आप इतनी एप्लीकेशन कर लेना, बहुत है, 99 एप्लीकेशन आपने करनी है, कोई और एक्स्ट्रा आपको बुक से मिल रही है 10 या 11 कर सकते हो, लेकिन ये जो लास्ट वाली मैंने कराई हेटरोजीनियस कैटालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, शुगर सॉल्यूशन को प्योर करना, वाटर को प्यूरिफाई करना, पेंट इंडस्ट्री के अंदर, डाई के अंदर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। Adsorption plays an important role in all phenomena and processes where surface properties are essential. The phenomenon of adsorption finds very extensive applications in industry, research laboratories, and in everyday life. Some important applications of adsorption are production of high vacuum, gas masks, humidity control, clarification of sugar, chromatographic analysis, heterogeneous catalysis, adsorption indicators, separation of inert gases, froth flotation processes, and curing diseases. Let us discuss these applications one by one. We will first discuss production of high vacuum. A vessel that has already been evacuated by a vacuum pump may still contain traces of air. If a bulb of activated charcoal is connected to this vessel, the remaining traces of air get absorbed by the activated charcoal. This results in the production of a very high vacuum. Gas masks, used by miners in mines, provide protection from both particulate matter and poisonous gases. These are based on the phenomenon of adsorption. Gas masks contain activated charcoal or a mixture of adsorbents that preferentially absorb large volumes of poisonous gases and thereby purify the air for breathing. Another application of adsorption is to control humidity in the air. Silica and aluminium gel are used to keep the relative humidity as low as possible. They adsorb moisture from the air, thereby preventing damage to electronic devices and musical instruments. Silica gel is also used as a means of preservation to control relative humidity in museums and libraries and exhibitions. An application of adsorption from solutions is the clarification of sugar. Animal charcoal is used to decolorize sugar solution since it adsorbs the coloring materials and carries them with it when separated from the solution, leaving behind a clear solution. The phenomenon of adsorption has provided chemists an excellent technique of separating various components of a mixture. This technique, known as chromatographic analysis, is used widely in analytical and industrial fields. Chromatographic analysis is based on the selective adsorption of certain substances from a solution by a particular solid adsorbent.
Let us now discuss heterogeneous catalysis. Adsorption plays a very important part in the catalysis of gaseous reactions by solid surfaces. Let us see how heterogeneous catalysis works. According to the adsorption theory, gaseous reactants are adsorbed on the surface of a solid catalyst. This increases the concentration of the reactant on the surface of the solid catalyst, thereby increasing the rate of reaction. The theory also explains the greater efficiency of the catalyst in a finely divided state. A majority of heterogeneous catalysts are solids. For example, iron is used as a catalyst in the manufacture of ammonia. The use of vanadium pentoxide in the manufacture of sulfuric acid by the contact process and of finely divided nickel in the hydrogenation of oils to fats are other excellent examples of heterogeneous catalysis. An important application of adsorption in the laboratory is an adsorption indicator. An adsorption indicator is a substance that is adsorbed along with a change in the color at or near the equivalence point of a titration. This finds use in precipitation titrations. For example, potassium bromide is easily titrated with silver nitrate using eosin as an indicator. Fluorescein is another dye that is used as an adsorption indicator. The phenomenon of adsorption is also used to separate inert gases. A mixture of inert gases like neon, helium, and argon gets separated because of the varying degrees of adsorption of the individual gases on coconut charcoal at different temperatures. The amount of adsorption of noble gases increases with an increase in the atomic mass and a decrease in the temperature. The froth flotation process of concentration of sulfide ores in metallurgy is also an adsorption phenomenon. The ore particles are adsorbed on the surface of the froth, while the gang settles at the bottom of the tank. Adsorption plays a very important role in biological systems. One very important application of adsorption is in curing diseases. A number of drugs get adsorbed on the surface of germs in the human body. The germs are killed by the action of the drug, and the disease is eliminated.